क्या है ये? मुझे माँ की तरह क्यों देख रही है? बैठो बैठो। अब चुप करके मेरी बात सुनो। मैंने चंद घंटे गुजारे हैं उसके साथ, तो कुछ तो सीख कर ही आई हूं। नस काट कर मरने में इतनी तकलीफ नहीं होती दानिश, जितनी तकलीफ पछता के जिंदा रहने में होती है। अपने हाथों से जख्म खाए हैं तो जख्म देने वाले का नाम तक बता नहीं सकती हो। एक रात में कई कई बार मरती होगी, और पता है मर कर भी मर क्यों नहीं रही? उसको लगता है कि एक दिन तुम उसका नाम लेके आवाज दोगे, उसको छूकर जिंदा कर दोगे। मुझे पता है मर्दों को ये बात बुरी लगती है, लेकिन एक बार अपनी बीवी की बेवफाई को माफ करने की हिम्मत तो करो। कोई तो हो जो औरत को भी माफ कर देता हो। ऐसा मैं भी सोचता हूँ, चाहता हूँ कि उसको माफ कर दूँ, लेकिन फिर खुदा याद आ जाता है मुझे। मतलब शिर्क तो खुदा भी माफ नहीं करता।